हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय माँ बेटी इजी रेसिपी। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ही नई रेसिपी। आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखिएगा। लंच में बनाइए, ब्रेकफास्ट में बनाइए, खाने में बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी बनता है और कम तेल में हमारा बन के भी तैयार हो जाता है। और गाइस, इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है बनाने में, आप जब चाहेंगे बना सकते हो। घर के इजली इन्ग्रीडियंट से ही हमारा बन के तैयार हो जाता है। ये बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया एक कटोरी चावल का आटा, फिर मैंने यहाँ लिया एक कढ़ाई, और जिस कटोरी से मैंने चावल काटा लिया था उसी कटोरी से, सेम कटोरी से मैं यहाँ 2 कटोरी पानी ले लूँगी। पानी लेने के बाद मुझे इसमें कढ़ाई में अपने डाल देना है। और जब हमारा पानी डल गया तो इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। आप चाहो तो खड़ा जीरा पाउडर, खड़ा जीरा भी डाल सकते हो। फिर इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और ये हमारा मैश किया हुआ 2 उबला आलू है, इसे भी इसमें हम डाल देंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे ऑयल, 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाली, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हेल्दी कलर चेंज करने के लिए। गाइस, हमारा पानी बॉईल हो चुका है, और फिर इसमें हम डाल देंगे अपने चावल का आटा। जैसे आप चावल का आटा डालोगे ना, तो गाइस आपको फ्लेम एकदम ही लो कर देनी है, और धीरे धीरे डालते डालते आपको मिक्स भी करते जाना है जिससे कि लम्स ना रहे इसमें। ऐसे मैंने सारे चावल का आटा अपने डाल दिया है। गाइस, इसको आपको धीरे धीरे मिक्स करते रहना है, और फ्लेम को एकदम ही मैंने लो रखा है, और अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। जैसे आपको इस तरीके से स्टेज हो जाए तो आप तुरंत ही अपने गैस को ऑफ कर दीजिएगा, फ्लेम को। अब मुझे अच्छी तरीके से चलाते हुए मैश कर लें, तो अब मुझे इसको क्या करूँगी, ढक दूंगी 10 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी अच्छी तरीके से हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसे नॉर्मली इजली छू सकती हूँ। अब मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया थाली टाइप का, और उसमें मैंने सारे अपने बैटर को, मिक्सचर को डाल दिया है, और मैं इसे अब इजी छू सकती हूँ। तो अब अपने हाथ से मसल मसल के सही तरीके से डो बना लूँगी इसका। हाथ में थोड़ा तेल या घी आप लगा लेना, उसके बाद ऐसे आपको डो बनाना जैसे कि इजली रहे। और ये वहाँ धनिया पत्ती है, और बारीक कटा हुआ मिर्चा है, बारीक कटा धनिया पत्ती भी है। आप मिर्चा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और अब मैं क्या करूँगी, पूरा डो हमारा परफेक्ट बन चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा अपने हाथ में तेल घी लेकर इसको अच्छी तरीके से एक बार और डो के फॉर्म में डो इसको बना लेंगे। और फिर इधर मैंने एक पॉलीथीन लिया कपड़े वाला, जिसमें कपड़ा आता है ना, बस वही वाला मैंने पन्नी ले लिया है। इसकी सहायता से आज हम इस नाश्ते को बनाने वाले हैं, तो उस पन्नी पर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा तेल लगा लूँ जिससे कि इस पर माँ चिपके ना। और फिर अपने मिश्रण को हमने इस पन्नी पर रख लिया है, और इसके ऊपर ठीक मैं हाफ ऐसे फोल्ड कर लूँगी। आप वीडियो में देख सकते हो जैसा कि मैं यहाँ फोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद जो रोटी जिससे हम बेलते हैं ना, बेलन, उसी की मदद से हम ऐसे ऐसे बेल लेंगे, लंबे शेप में ऐसे बेल। बहुत ज़्यादा मैंने पतला नहीं बेला है, मोटा ही मैंने बेला है, आप भी मोटा ही बेलिएगा इस। और फिर ऐसे हाथ की मदद से मैं थोड़ा सा साइड साइड से चिकना कर दूंगी, बराबर कर दूंगी तो अब मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल ही हमारा पन्नी पे नहीं चिपका, क्योंकि गाइस हमने यहाँ ऑयल का यूज़ किया था। अब मुझे क्या करना है, जो साइड साइड का कॉर्नर है ना, मैं उसे निकाल लूँगी जिससे कि हमारा जो, जब मैं कट करूँ तो हमारा जो शेप है ना, स्क्वायर शेप में आ जाए। तो मैंने साइड साइड के कॉर्नर्स पूरे निकाल दिए हैं। और अब मुझे क्या करना है, इसे मैं हाफ हाफ पहले कट कर दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ स्क्वायर शेप में कट करना है। तो मैंने एक बार 20 से कट लगाया, उसके बाद साइड साइड से मैं 2 कट और लगा लूंगी। टोटल हमारे 6 पीसेस बन के तैयार हो रहे हैं। आप इसका कहीं थिकनेस भी देख सकते हो, कितना ज़्यादा हमारा मोटा बेला गया है, मतलब मैंने बेला है। सो गाइस, हमारा पूरा कट के तैयार हो गया है,
और जो साइड वाला है ना उसे आपको फेंकना नहीं है, उसका भी मैं आपको बताऊंगी काम। अब मुझे ये मेरे जो स्पून है ना उसके साइड वाला जो लास्ट वाला कॉर्नर होता है ना, आप चाहो तो नाइफ से भी ये डिज़ाइन बना सकते हो, बट यहाँ मैं स्पून से बनाई क्योंकि हमारा स्पून थोड़ा सा मोटा टाइप का है। बस आपको ऐसे डिज़ाइन बनाना, पूरा कट करके काटना नहीं है, बस ऐसे कट लगाना है आपको। इसका लुक और भी ज़्यादा प्यारा आ रहा है। और हल्के हल्के हाथों से आपको इसे कट लगाना है। तो ऐसे मैं सारे पीसेस में अपने कट लगा लूंगी गाइस। तो आप देख सकते हो हमारा जैसा कि सारे मैंने अपने पीसेस में कट लगा लिया है। अब जो ये कॉर्नर वाले पीसेस थे ना, अब मुझे क्या करना है, ऐसे हाथ से, हाथ की मदद से ऐसे गोल शेप में करके उसके बाद ऐसे आपको इस पे भी आप ऐसे चम्मच से डिजाइन बना लेना। सो गाइस अब मुझे क्या करना है, ये आगे की प्रोसेस जल्दी से देखते हैं। यहाँ मैंने है पैन मैंने ले लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल के चारों तरफ फैला लिया था, और हमारा जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम फटाफट से अपने पीसेस को रखना शुरू कर देंगे पैन में। और मीडियम फ्लेम पे यहाँ मैं पीसेस को अपने फ्राई कर रही हूँ गाइस। बहुत ही ज़्यादा कम तेल में भी तैयार होता है, और जब आप चाहो तब बना सकते हो। अगर आपको रोटी सब्जी खाने का मन ना हो तो आप ये ज़रूर बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बनाइए, नाश्ते में बनाइए, या बच्चों के लंच में दीजिए। बच्चों के लंच में देंगे तो भाई वो लोग तो ख़त्म करके लाने वाले हैं। और टोमेटो सॉस के साथ खाइए, ग्रीन चिली चटनी के साथ खाइए, दोनों के साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ी देर बाद हम यहाँ पलट लेंगे, तो आप एक तरफ से देख सकते हो हमारा कलर गोल्डन कलर आ चुका है। मैं नाइफ की मदद से इसे पलट रही हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो गोल्डन ब्राउन कलर हमारा आने लगा है। तो हाई फ्लेम पे आप मत बनाइएगा इसको, वरना हमारा क्या होगा, कच्चे सभी रह जाएगा और ये हमारा जल भी जाएगा नीचे से। तो मैं इसलिए मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ। कुछ कुछ टिप्स और ट्रिप्स आप भी फॉलो करेंगे तो आपका भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। तो देखिए हमारा पूरा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पैन में से फटाफट से निकाल कर अपने प्लेट में सर्व कर लेते हैं। सो गाइस हमने आप फटाफट से उठाकर अपने प्लेट में सर्व करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे बना है, फ्राई हुआ है। और इसी प्रोसेस में अपने अपने दूसरे पार्ट को भी, जो मेरा बचा हुआ है ना, उसको मैं फटाफट से फ्राई कर लूँगी। फिर से मैंने बस 2 चम्मच तेल डाला है, और तेल गर्म हो जाने के बाद यहाँ मैंने अपने पीसेस को डालना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर बाद मैंने इसको भी पलटना शुरू कर दिया गाइस। तो आपने देखा ना कितने ज़्यादा कम तेल में हमारा इतना ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी सा नाश्ता बन के तैयार हो रहा है। और यहाँ तक कि हेल्दी भी है ये, आप चाहो तो आप बना सकते हो एकदम ही घर के इजीली इंग्रेडिएंट्स हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो गाइस हमारा बन के नाश्ता आज का तैयार हो गया। आई होप सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पर अगर आप नए हो, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं आने वाली वीडियो की लिंक आपको पहले मिल सके। एंड हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट हमारा बना है। ओके बाय गाइस, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ रेसिपीज़ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा, आपके सपोर्ट से मैं आगे ज़रूर एक और पहुँचूंगी।